जी हाँ नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा की फटाफट 30 खबरें बैक टू बैक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब विदेश में फंसे विद्यार्थियों को लाएगी हरियाणा सरकार। सभी डीसी जिलेवार मांग रहे हैं जनता से जानकारी। अचानक बढ़े कोरोना के मामले, पीएम मोदी ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को किया फोन, जाना चंडीगढ़ का हाल। हरियाणा में कोरोना वायरस युवाओं पर कोरोना के ने किया ज्यादा अटैक। इस आयु में रोगों से लड़ने की अक्षमता अच्छी, इसलिए ठीक होने वालों का प्रतिशत 70 पहुंचा। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में 78% पुरुष और 22% महिलाएं हैं। हाईवे के साथ साथ दिल्ली जाने वाले वैकल्पिक रास्ते भी सील, हर और सख्ती ताकि बॉर्डर पार से टूटे कोरोना कनेक्शन। पानीपत से खबर है, रोहतक से खबर है, संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर रिसर्च करेगी पीजीआई की ज्वाइंट टीम। मरीज में संक्रमण का लेवल, रिकवर वह डेथ की वजह तलाशेगी। हरियाणा में कोरोना से जंग, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। सीएम ने केंद्रीय सूचना मंत्री के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बताए प्रदेश के हालात। हरियाणा और हिमाचल के फल सब्जी का स्वाद नहीं चख पाएंगे दिल्ली वाले, लगाई गई रोक। आर्थिक संकट में महकमों के सरप्लस फंड और एफडी का ही सहारा है, राजस्व जुटाएगी सरकार। सोनीपत के बाद एनसीआर का बॉर्डर सील करने की तैयारी, दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों पर पैनी नजर। पंचकुला में 3 जमाती हुए कोरोना से ठीक, अब तक 13 ने जीती जंग, 5 लोगों का चल रहा इलाज। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गलत पेंशन जारी होने पर नहीं की जा सकती रिकवरी। भर्ती प्रक्रिया रोकने का पूर्व सीएम हुड्डा ने किया विरोध, सुरजेवाला बोले किसानों को छल रही गठबंधन सरकार। खरखोदा बॉर्डर से सटे गांव से शुरू हुआ आवागमन, तो थाना प्रभारी ने जेसीबी ले जाकर कच्चे रास्ते कराया बंद। सिरसा से खबर है, विश्वविद्यालय के निर्देश पर बेनी माधव पीजी कॉलेज बिघिया में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई है। उत कॉलेज में बीएड बीपीएड एवं पीजी कक्षाएं संचालित। सिरसा से एसडीएम और डीएसपी पहुंचे सब्जी मंडी, कराया सामाजिक दूरी का पालन। रिवाई टेरिटरी में कार्य जिला निवासी व्यक्ति का रिश्तेदार कोविड-19 संक्रमित मिला, तो रिवाड़ी का ट्रेजरी कार्यालय किया सील। रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बंद होने से निगम की आर्थिक हालात गड़बड़ाई, स्टाम्प ड्यूटी से मिले रुपयों से दिया जाएगा वेतन। रोहतक में यूक्रेन में फंसे एमबीबीएस कर रहे रोहतक के छात्र, विदेश मंत्रालय से लेकर संसद तक परिजन लगा चुके हैं घर लाने की गुहार। यमुनानगर उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय मित्तल ने व्यापारियों की तरफ से आवाज उठाते हुए डिजिटल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ली। नारनौल की जयपुर से उपचार दिन कैंसर पीड़ित महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, मिलकर आए युवक का देर रात लिया सैंपल। महेंद्रगढ़ में मनरेगा के तहत 20 गांवों में कार्य शुरू, 1232 मजदूरों को मिला काम। भिवाणी में कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल के परिजनों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। भिवाणी में मंडियों में गेहूं की खरीद में 72 घंटे में भुगतान का दावा, 7 दिन बाद भी किसानों के खातों में नहीं पहुंचे रुपए। अंबाड़ा में साहब घर जाना है, पास बना दो, डीसी ऑफिस में लगा प्रवासी लोगों का जमावड़ा, पुलिस ने खदेड़ा। करनाल से खबर है, वेल्डर सफाई और पुलिस कर्मियों के होंगे रैंडम कोविड-19 के टेस्ट, यूज्ड मास्क के निपटान के लिए लगेंगे पीले डस्टबिन। करनाल में गेहूं खरीद, लाइव खरीद जारी, लिफ्टिंग का कार्य तेज, भुगतान नहीं। कैथल में ई मैपिंग, एसएमएस व पेमेंट ने बढ़ाई आड़तियों और किसानों की चिंता। सप्ताह भर से खरीद की गई गेहूं की सरकार ने अभी तक पेमेंट नहीं की है। राजस्थान से सस्ते दाम पर खरीदी सरसों, जिले के खरीद केंद्र पर बेचने का प्रयास करने पर 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चरखी दादरी से ही खबर है, खांसी जुकाम से ग्रस्त 2 आड़ती होम क्वारंटीन, सब्जी मंडी प्रशासन ने की सील। चंडीगढ़ से खबर है, आज लगभग प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं होगी, आईएएस अधिकारी जे गणेशनन द्वारा सभी मार्केट कमेटी सचिव को दिए निर्देश। दिल्ली से हर रोज जज्जर जिले में आने जाने वालों की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए पूरी तरह सील किए गए दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा निशाना, जब हरियाणा में 1 साल सरकारी भर्ती नहीं होगी तो एचसीएससी और एचपीएससी चेयरमैन व मेंबर को सैलरी क्यों दी जा रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि 80% गेहूं कट चुका है मगर सरकार खरीदना नहीं चाहती, इस बेमेल गठबंधन को जनता सजा जरूर देगी। ये खबर थी हमारी बैक टू बैक 30 खबरें। बने रहे हमारे चैनल के साथ।